वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने जीमेल के इनबॉक्स को क्लीन कर सकते हो। मतलब आपको ऐसे सारे ईमेल्स आते हैं जो कभी आपने उन अकाउंट को अपने ईमेल का एक्सेस दिया ही नहीं था, फिर भी आपको अननेसेसरी अनवांटेड प्रमोशनल्स ईमेल वगैरह आपको आते रहता है, और इन सारे प्रमोशनल्स ईमेल की वजह से आपके पास जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स आते हैं आप उन्हें भी मिस कर देते हो। तो कैसे आप अपने जीमेल के इनबॉक्स को क्लीन कर सकते हो, मीन्स अनवांटेड ईमेल्स वगैरह को आप एक बार में कैसे डिलीट कर सकते हो, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपको ब्राउजर ओपन करना है, अपने जीमेल को आपको ब्राउजर में ही ओपन करना है। ऐसा इसलिए जीमेल के इनबॉक्स को क्लीन करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होगा। ब्राउजर में आप अच्छे से फिल्टर करके अपने जीमेल के इनबॉक्स को क्लीन कर सकते हो ब्राउजर में। इसलिए आपको अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जीमेल को ओपन करना है। अगर आप मोबाइल में जीमेल को ओपन कर रहे हो ब्राउजर में, तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहाँ पे गूगल में जीमेल लिखकर आपको सर्च करना है। फिर आपको जीमेल ओपन करना है, फिर राइट हैंड साइड में आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। उसके बाद आपको इस ब्राउजर को डेस्कटॉप वर्जन में यूज करना है। इसके लिए सिंपली आपको ये वाले ऑप्शन को चेक करके रखना है, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप वर्जन। इससे होगा जो ब्राउजर का पेज होगा वो पीसी की तरह ही काम करेगा जैसा पीसी में ओपन होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको जीमेल को ओपन करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास जो ईमेल वगैरह आया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमोशनल ईमेल है, जो कि मैंने कभी उस अकाउंट को एक्सेस ही नहीं दिया था मैंने इस ईमेल का, फिर भी लेकिन मुझे अननेसेसरी ईमेल वगैरह आता है। जैसे कि मेरे पास एक ईमेल आया है कोरा डाइजेस्ट की तरफ से, जो कि मैंने कभी एक्सेस ही नहीं दिया था कोरा डाइजेस्ट को मैं अपने ईमेल का, लेकिन फिर भी कोरा डाइजेस्ट की तरफ से मुझे ईमेल वगैरह आते रहता है। तो इन अनवांटेड ईमेल्स को आप यहाँ पे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस ईमेल के सर्विस को आप यहां से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। नीचे भी आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी ईमेल्स वगैरह होते हैं प्रमोशनल ईमेल वगैरह, यहां पे आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा। अनसब्सक्राइब करने के बाद आपको कोरा डाइजेस्ट की तरफ से कोई भी ईमेल रिसीव नहीं होगा। इसके अलावा जैसे कि कोरा डाइजेस्ट की तरफ से आपको ईमेल रिसीव होता है, इन ईमेल सर्विस को आप यहां से ब्लॉक भी कर सकते हो। इसके लिए आपको राइट हैंड साइड पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आप चाहे तो पर्टिकुलर इस ईमेल को डिलीट भी कर सकते हैं डिलीट दिस मैसेज पे क्लिक करके, लेकिन अगर आप कोरा डाइजेस्ट ईमेल के सर्विस को आप ब्लॉक ही करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ब्लॉक कोरा डाइजेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कोरा डाइजेस्ट की तरफ से आने वाले जो ईमेल होंगे वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। फ्यूचर में आपके इस ईमेल में कोरा डाइजेस्ट की तरफ से कोई भी ईमेल आपको रिसीव नहीं होगा। ये सॉल्यूशन तो पर्टिकुलर ईमेल का है, जैसे किसी एक ईमेल को आप यहाँ से अनसब्सक्राइब वगैरह या डिलीट कर सकते हो। आपके इनबॉक्स में ऐसे सारे ईमेल्स काफी सारे हैं, तो अगर आप वन बाय वन करके उस ईमेल के सर्विस को अनसब्सक्राइब या फिर डिलीट करोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन सारे ईमेल्स को आप एक कैटेगरी में करके कैसे आप उसे डिलीट कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको वापस से जीमेल के इनबॉक्स में आना है। सिंपली आपको ये वाला सेटिंग्स करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च के साइड में फिल्टर वाले ऑप्शन में आना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हैज द वर्ड्स, इसमें आपको लिखना है अनसब्सक्राइब। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये कीवर्ड्स लिखने के बाद होगा क्या, जितने भी आपके पास प्रमोशनल्स ईमेल वगैरह होंगे जिस ईमेल में अनसब्सक्राइब वाला कीवर्ड होगा वो सारा आपको यहाँ पे फिल्टर होके दिख जाएगा। मोस्टली अनसब्सक्राइब वाला जो ईमेल होता है वो प्रमोशनल ईमेल ही होता है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसे ईमेल्स भी आ गए हैं जिन्हें कि आपको डिलीट नहीं करना है, जिन्हें अनसब्सक्राइब भी आपको नहीं करना है, आपको उन ईमेल्स का अपडेट वगैरह रखना है। तो यहाँ पे जैसे मैं फेसबुक के ईमेल्स को नहीं हटाना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको वापस से फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डजंट हैव वाले ऑप्शन में लिखना है फेसबुक। जो भी ईमेल्स के सर्विस को आपको रखना है या फिर आपको उस ईमेल को डिलीट नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे उस ईमेल का कीवर्ड लिखना है, जैसे मैं फेसबुक का रखना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से आपको जो भी ईमेल्स को रखना है यहाँ पे उन ईमेल्स का कीवर्ड आपको फिल करना है। अगर आपको स्नैपचैट के ईमेल्स के सर्विस को रखना है तो सिंपली आपको यहाँ पे स्नैपचैट फिल करना है। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अनसब्सक्राइब वाला ईमेल तो रहेगा, लेकिन फेसबुक वाला जो ईमेल होगा वो यहाँ से हट जाएगा। जैसा कि मैंने फिल्टर किया था, फेसबुक वाला ईमेल यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे वो फेसबुक वाला ईमेल अपीयर नहीं होगा। अब इन सारे ईमेल को आपको एक कैटेगरी में रखना है। आप चाहते हो जितने भी प्रोमोशनल्स ईमेल वगैरह आए मुझे वो एक कैटेगरी में मिले, तो इसके लिए सिंपली आपको ये सारे ईमेल्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे इनबॉक्स को चेक करना है, ऑल ईमेल्स को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोमोशनल ईमेल के लिए आपको यहाँ पे लेवल क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे जैसे कि आप प्रोमोशनल्स ईमेल के लिए एक अलग कैटेगरी बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप प्रोमोशनल्स अनसब्सक्राइब वगैरह लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे कि अब देख सकते हो एक नया लेवल क्रिएट हो गया अनसब्सक्राइब के नेम से। जितने भी मुझे ये सारे सब ईमेल्स आएंगे यहाँ पे मुझे लेवल में अनसब्सक्राइब में देखने को मिल जाएगा। आसानी से फिल्टर होके आपको ये सारे ईमेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन सारे ईमेल्स को अनसब्सक्राइब या फिर डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे सारे ईमेल्स को सेलेक्ट करना है। इस पेज में 50 ईमेल्स ही सेलेक्टेड है, तो आपको सारे ईमेल्स को डिलीट करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन दैट मैच की सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद सारा ईमेल सेलेक्टेड हो जाएगा। अब उसके बाद आप इन ईमेल्स को यहाँ पे आप आर्काइव में डाल सकते हो, या फिर सारे ईमेल्स को डिलीट करना है तो आप इन ईमेल्स को डिलीट भी कर सकते हो, और इन सारे ईमेल्स को आप मार्क एज रीड भी कर सकते हो। उसके बाद इन सारे ईमेल्स को आप यहाँ से इनबॉक्स में भी मूव करा सकते हो। और इन ईमेल्स का मैंने लेवल तो एक अलग क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जैसे कि मुझे इन ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पे ईमेल को ओपन करना है, और यहाँ पे आप अनसब्सक्राइब पे क्लिक करके आप इन ईमेल के सर्विस को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर इन ईमेल के सर्विस को आपको ब्लॉक करना है तो सिंपली आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ब्लॉक वाले ऑप्शन को चूज करना है। अब इसी तरीके से अगले ईमेल को अनसब्सक्राइब करने के लिए आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उन ईमेल्स को आपको अनसब्सक्राइब कर देना है। तो इस तरीके से 1x1 करके आपको उन सारे प्रोमोशनल्स ईमेल को अनसब्सक्राइब कर देना है। लेकिन अगर आप उन सारे ईमेल्स को डिलीट करना चाहते हो तो सिंपली आपको बैक आना है, सारे ईमेल्स को आपको सेलेक्ट करना है। आप अपने जीमेल के इनबॉक्स को क्लीन करना चाहते हो तो सारे ईमेल्स को आपको डिलीट करना होगा। जितने भी अनवांटेड प्रोमोशनल्स ईमेल वगैरह होंगे सारे को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको सेलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन दैट मैच दिस सर्च पे क्लिक करना है। सारा ईमेल सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कन्फर्म बल्क एक्शन में आपको ओके करना है। तो अब जैसे होगा कि जितना भी मेरा प्रोमोशनल्स ईमेल होगा जिनमें कि अनसब्सक्राइब वाला कीवर्ड होगा वो सारा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोमोशनल्स अनवांटेड ईमेल को क्लीन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपके ईमेल्स में ऐसे ईमेल्स आए हुए हैं जिनमें कि कुछ लार्ज फाइल्स वगैरह अटैचमेंट है, जैसे कि कोई फाइल डॉक्यूमेंट वगैरह आपके ईमेल में है जो कि आपके गूगल ड्राइव के स्टोरेज को ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके लिए उस ईमेल्स में जो लार्ज फाइल्स है उन्हें डिलीट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में आना है। फिल्टर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे 10 MB से ज्यादा वाले फाइल को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 10 MB लिखना है। ग्रेटर देन यानी कि 10 MB से ज्यादा वाले फाइल को आपको डिलीट करना है तो आपको ग्रेटर देन को रखना है। अगर आपको यहाँ पे 10 MB के नीचे के फाइल को डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे लेस देन वाले ऑप्शन को चूज करना है। आपका फाइल अगर MB में है तो आपको यहाँ पे MB रखना है। अगर आपका फाइल KB में है तो आपको यहाँ पे KB का भी ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको हैज अटैचमेंट वाले ऑप्शन को चेक करना है, फिर आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने वो सारा ईमेल लिस्ट हो जाएगा जिनमें कि आपने फिल्टर किया होगा डॉक्यूमेंट साइज का। जैसे कि मैंने फिल्टर किया था 1 MB से नीचे जितना भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वो मेरे सामने सारा लिस्ट हो जाए। तो अब मैं आसानी से उन ईमेल्स को यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से उन ईमेल्स में अटैच किए हुए फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका गूगल ड्राइव का स्टोरेज फुल हो गया तो इसे कैसे क्लीन करते हैं, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अपने गूगल ड्राइव के स्टोरेज को इजीली क्लीन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा अननेसेसरी ईमेल्स को कैसे आप एक बार में सारे ईमेल्स को डिलीट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी क्वेरीज कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही यूजफुल वीडियोज में।